एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलेंगे। सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है सरकारी संगम, ठीक। इस तरह से आपको लिखना है सरकारी, फिर स्पेस देके लिखेंगे संगम, उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। सर्च कराएंगे, पेज खुल के आएगा, फर्स्ट नंबर पे ही वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे दिया है सरकारीसंगम.com। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो www.sarkarisangam.com की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहीं से आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग का एम्स का जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में देख सकते हैं एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में दिया है एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड 2024, यहाँ से डाउनलोड करें। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना RUC कोड डाल देना है। RUC कोड जो आपने प्रिंट निकाला है उसमें मिल जाएगा फाइनल प्रिंट में। और यहाँ पे पासवर्ड में जो है आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। ये पासवर्ड जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपके ईमेल पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है तो उसी ईमेल में आपको पासवर्ड भी दिया रहता है, ठीक। उसके बाद में जो संख्या दी गई इसे यहाँ पे डालेंगे कैप्चा कोड को। और उसके बाद नीचे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन दिया है, सिंपल सा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके बाद में आपको लॉगिन होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।